अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? कैसे जा रहे हैं आप सबके रोजे? आज हम वापस आए एक रेजेंट की बात करने, जिसने ये ठान लिया है कि उसने सुधरना नहीं है। दिन हो या रात या हो त्योहार, इसके अंदर का कीड़ा भाई हरवा कुचलने को है तैयार। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यासिर सोहरावर्दी की नई वीडियो। और हाँ, ये सिर्फ तफरी के लिए वीडियो है, इसमें नाराज नहीं होना भाई। मैं मनाने तो आऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी नाराज नहीं होना। चलो बच्चों आ जाओ, इफ्तारी करते हैं। अरे भाई बिल्ली भी आएगी, चलो भाई आ जाओ, इफ्तारी कराना तो सवाब का काम है। आहा, क्या स्टार्ट किया है वैसे। इफ्तारी करवाना सवाब का काम है, तो फिर बुलाओ जल्दी से हमें भी। मौका दो हमें इफ्तारी करवाने का अपने साथ। वैसे एक बात है, इसमें जो ये बिल्ली की आवाज निकाल रही है ना, इससे अच्छी तो मैं निकाल सकता हूँ भाई। म्याओ। और अब आके देखते हैं। ओए, ये क्या रखा दिया? ये कच्चा बादाम क्यों आ गया भाई? इस पे दोरी वीडियो बना रहे हैं हम। आप यही देख रहे हैं ओरिजिनल वाली वीडियो। क्या मतलब? ये क्या बना दिया? कच्चे बादाम का सस्ता तरीन वर्जन बना दिया। अबे जब भी सुनूंगा कच्चा बादाम ही याद में आएगा, ये तो आएगा नहीं याद। अबे इससे तो 1000 टाइम अच्छा वो शादी, एक तो तीन अच्छा था, और एक तो 1000 रुपए सादा लगा के कुछ अच्छी तंगी चीज बना रहे था भाई। और ये परिंदों की तो जान छोड़ दो, ये जज्बात में कुछ सादे दबा दिया तुमने इसको। ओए परिंदे, ये कच्चे बादाम की उंगली काट रहे, और बेचारी भी परेशान है, मुझे दूध का बोल के यहाँ लेके आ गया। एनिमल लवर रखता है ये? हाँ हाँ, मुझे भी यही लगता है। वैसे भी वीडियो में कुछ तो होना चाहिए जो लोगों को पसंद आए। ये जो नमूना बंदियां कर रहा है, ये तो पसंद आने वाला है नहीं। होशियार है ये रोंटा। मुबारक हो, आपने रोजा रखा है। जब कोई आपके बहन भाई की रोजे रखने पर शाबाशी थे और आपको नहीं थे, तो आप फौरन क्या बोलेंगे? जब आपने जिंदगी में पहली दफा रोजा रखा हो और हर 5 मिनट बाद आपसे कोई कुछ भी ना पूछे, तो आप क्या बोलेंगे? जब अफ्तारी में छोटे बहन भाई सब शरबत और कीमे के समोसे लेके बैठ जाए, तो आप क्या बोलेंगे? चांद बख्श दे मेरी, कब से दबा के रखा हुआ है, 6 रीटेक भी दे रही है, लेकिन मुझे नहीं छोड़ रहा, माफ कर दे मुझे। अब करवा भी दो मुझे अफ्तारी, भूख से बुरा हाल हो रहा है मेरा। सच में बिल्ली की शक्ल देखो, वो भी परेशान है, मैं कहाँ पे आके बस गई। आके हमारे राजा जी कहते हैं, बेईमानी नहीं करो, 100% सही। जो सही बात बोली मैं मानता हूँ, वो सही बात बोली है। रमजान आधे नहीं है, महंगाई पहले आ जाती है। लेकिन इसके साथ साथ रमजान में एक और चीज से बचना चाहिए, वो ये खुद है। इसका मतलब ये नहीं कि 11 महीने करो, नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है, 11 महीने भी नहीं करो ऐसी वीडियो बनाना। घर में आराम से बैठो, ये हरकतें नहीं करो, हम भी खुश होंगे। और आप तो हमेशा खुश ही रहते हो, खुश फहमी में। हाँ, ये भी बिल्कुल सही बात है भाई, टाइम पास नहीं करो, टीवी नहीं देखो रमजान में। हाँ, लेकिन अगर यासिर उस्ताद जी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करे ना, वो देख लो, उससे तो नहीं टाइम पास हो रहा है, उससे तो टाइम ही खराब हो रहा है हमारा। अभी खुद किसी दिन टीवी प्रोग्राम पे बैठा हुआ होगा और वहाँ पे तफरी कर रहा होगा ये। ओवरऑल इस वीडियो में कुछ ऐसा खास नहीं था, कि हर वीडियो इसी स्टाइल की, इसी नमूना बंदी की होती है, लेकिन इस बार इसने कच्चे बादाम वाले की कॉपी करके ना अपने बादाम ही खराब कर रहे हैं। क्या ये कभी सुधरेगा? अबे घंटा नहीं सुधरेगा भाई, ये फ्यूचर में भी ऐसी हरकतें करेगा नमूना बंदी वाली, क्योंकि इसी से तो इसको मिल रहा है फेम और हमें कॉन्टेंट। तो इस कच्चे बादाम के साथ वीडियो को एंड करता हूँ, इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। अपना और अपने कारोबारों का ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।